गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टूडेज टॉपिक इज द यूएन इन ए यूनिपोलर वर्ल्ड. द यूएन इन ए यूनिपोलर वर्ल्ड मीन्स द यूएन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड मीन्स यूनिपोलर मीन्स द हेजमनी ऑफ द यूएस, द डोमिनेंस ऑफ द यूएस ओवर द वर्ल्ड. एंड विद द डिसअपीयरेंस एंड कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, द यूएस इज द ओनली मिलिट्री सुपर पावर. Its military and economic power give its liberty to ignore the UN or any other international organization. कि UN जो थे उसकी importance जो है US की वजह से वो नहीं थी ज़्यादा, क्योंकि UN जो था, USA जो था, वो अपनी military and economic power की वजह से जो भी ignore करता था UN and any other international organizations. Being a single largest contributor to UN, the financial power of the US is unmatched. कि UN सबसे ज़्यादा financially जो था, financially किसको support करता था? UN को. और इसकी किसी भी जो US की जो contribution थी UN को, वो जो था financially जो है unmatched थी. Unmatched means किसी से match नहीं करती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थी. And the headquarter of UN are located in the US territory. और सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि जो हेडक्वार्टर ऑफ द यूएन था वो भी कहाँ पर था? इन द यूएस टेरिटरी, विच गिव्स एन एडिशनल एडवांटेज. इससे उसको एडिशनल एडवांटेज मिलती थी. एंड मोस्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स आर फ्रॉम द यूएस. और जितने भी यूएन में जितने भी ब्यूरोक्रेट्स थे, मोस्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स आर फ्रॉम द यूएन, फ्रॉम द यूएस. ज़्यादातर जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो यूएस थे, यूएस से थे. और लाइक द वीटो पावर गिव यूएस द एडेड एडवांटेज ऑफ प्रिजर्विंग इट्स इंटरेस्ट एंड दैट ऑफ इट्स एलाइज. और सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि यूएस के पास वीटो पावर थी. वो वीटो पावर से जो है कुछ भी कर सकता था. अगर कोई भी जो है कंट्री उसके फेवर में नहीं है, या उसको लगता है कि वो इसके इन द फेवर ऑफ काम नहीं कर सकता, तो वो अपनी यूज़ कर सकता है क्या? वीटो पावर्स. And like the veto powers give US the added advantages of preserving its interest and that of allies, the US has a considerable influence in the selection of UN Secretary General. कि US का सबसे important influence कहाँ था? कि choose the Secretary General of the UN. UN का Secretary General को choose करने में भी उसका influence जो था बहुत ज़्यादा था. And this can be proved the fact that South Korea Ban Ki-moon won over India's Shashi Tharoor for the post of UN Secretary General in November 2006 because of the US support. कि जो इंडिया का जो था शशि थरूर थे, और जो है साउथ कोरिया का जो है वो वहाँ पर जो था बैन की मून्स जो थे वो जीते थे जनरल सेक्रेटरी के लिए इन द यूएन सेक्रेटरी जनरल इन नवम्बर 2006. वो किस लिए जीते थे? बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ द यूएस. कि यूएस की सपोर्ट की वजह से जो है वो इसलिए उनको जो है उन्होंने ये सीट जो है वन की थी. एंड यूएस हैज़ द एबिलिटी टू स्प्लिट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड हैज़ मैनेज पॉलिसी इन फील. कि यूएस के पास ये इतनी पावर थी कि वो सारी जितनी भी अपनी हेजमनी की वजह से सारी पॉलिसीज़ को वो अपने फेवर में कर सकता है. And nevertheless, the UN in this unipolar world can serve as a forum of negotiations and deliberations between the US and other countries on major issues. पर फिर भी जो है UN जो है उसके पास UN फिर भी इनमें एक जो है इंटरलिंक बन के है कि US के बीच और अदर्स कंट्रीज के बीच में, कि मेजर पॉलिसीज पे डिसीजन लेने के लिए. इसके अलावा जो है UN as a useful institution for 192 nations for solving conflict and promoting socio-economic development. इसके अलावा जो 192 countries जो members बनी इसकी, उसके लिए भी UN जो है useful एक institution बना उनके लिए, because of the to solve their conflicts and promoting socio-economic development इन सब के लिए. And for the entire world, UN offer a platform to unify and modify the attitude and policies of the US through it is not possible. कि यही जो है एक प्लेटफॉर्म जो है यूएन ने इनको सभी कंट्रीज़ को दिया, जो कि यूएस के
पॉलिसीज़ के उससे एटीट्यूड्स के साथ जो है नहीं मॉडिफाई कर पा रहे थे, तो यूएन जो है इसकी वजह से ये पॉसिबल जो है हो पाया है. एंड फॉर अदर स्टेट्स टू बैलेंस द यूएस पावर, यूएन प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर देम. यूएन ने उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा है जिससे कि वो थ्रू द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो उनसे जो है डिसीजन कर सकते हैं ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर एंड ऑन इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट मैटर्स पे और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे. जो यूएन ने इनको एक प्लेटफॉर्म जो है ये प्रोवाइड किया. द यूएन मे बी एन इम्परफेक्ट बॉडी बट विदाउट इट वर्ल्ड वुड बी वर्स. कि यूएन जो है माना जाता है कि यूएस हेजमनी की वजह से ये इम्परफेक्ट बॉडी वहाँ पर, फिर भी वर्ल्ड जो है इसके बगैर जो है नहीं माना जा सकता, वर्स ऑफ है. बिकॉज विद द ग्रोइंग इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट इज़ हार्ड टू थिंक दैट 7 बिलियन पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड कुड सर्वाइव विदाउट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएन. कि अगर ये नहीं होगा तो इसकी जो कंट्रीज़ की आपसी इंटरेक्शंस, इंटरडिपेंडेंस ऑन द डिफरेंट स्टेट्स जो हैं हो रही हैं, और इसके अलावा सेवन बिलियन पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो नहीं सर्वाइव कर सकते थे बिकॉज ऑफ विदाउट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएन. यूएन इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के इतने बिलियंस लोग जो है वो इस वर्ल्ड में नहीं रह सकते थे अगर जो है यूएन नहीं होता तो. इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंस ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी अमंग नेशंस ओनली बूस्ट लाइक द रोल ऑफ यूएन एंड इट्स सिग्निफिकेंस इज लाइकली टू इंक्रीज इन द नियर फ्यूचर्स. कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ द कंट्रीज़ की बढ़ रही है एक दूसरे के ऊपर, इसकी वजह से जो है कि जो है पीपल्स को, स्टेट्स को ये लगता है कि एक यूएन ही है जो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसलिए इसकी जो इम्पॉर्टेंस है वो इन फ्यूचर्स में जो है उनकी यूएन की इम्पॉर्टेंस जो है ये बढ़ती जा रही है. थैंक यू.